हेलो दोस्तों, नमस्कार। वापस एक नई वीडियो में स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लोन के बारे में, जहां से आपको आज हम बताएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक बहुत ही रेपुटेटेड बैंक है। इस बैंक के माध्यम से आप कार लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, वो भी घर बैठे। आज मैं आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें दोस्तों। और एक आपसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक दी फाइनेंस इंडिया यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी दी फाइनेंस इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथी भाई को सपोर्ट करें दोस्तों। और वीडियो में किसी तरह का अगर आपको कमेंट हो तो कमेंट करके कमेंट पूछ सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो पर आपको चैनल पर आपको बहुत सारे लोन रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाती है, तो आप इसको वीडियो सेक्शन में आकर आप इसमें सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम चलते हैं डायरेक्ट एक नया टैब खोल लेंगे दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को अगर फ़ोन के माध्यम से देख रहे हैं तो आप वहाँ से अपने गूगल क्रोम ओपन कर सकते हैं, किसी भी सर्च ब्राउजर को आप ओपन कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पर एक डेस्कटॉप पे मैंने एक न्यू टैब ले लिया। यहाँ पर हम सर्च करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे ही हम सर्च करेंगे देन हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इस तरीके से एक पेज खुल गया है। देन सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं www.bankofbarodain। देन इसके नीचे वाला है, इसी के लिंक पर मैं क्लिक कर दूंगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों देख लीजिए, इस तरह का बैंक ऑफ बड़ौदा का जो भी पेज लेआउट है एक ओरिजिनल खुल के आ जाता है यहाँ पर दोस्तों। इसको स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं बहुत सारे फीचर्स है, तो हमको बहुत सारे फीचर्स को नहीं देखना है। जिस फीचर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं उस पर आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर बैंकिंग वगैरह, होम लोन्स वगैरह बहुत सारे लोन, लेकिन बट हमको अभी कार लोन्स देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोन्स के सेक्शन पे आ जाएंगे। लोन्स के सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं व्हीकल्स लोन लिखा हुआ है, देन दोनों पे लिखा हुआ है बड़ौदा कार लोन। देन इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी टर्म कंडीशन होगा, जो भी रूल रेगुलेशन होगा, सब कुछ इसमें कंप्लीट डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले लोगों का यह खास बात जानना होता है कि इंटरेस्ट रेट कितना लगने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.25% आपका इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक फ्री में आपका ईएमआई मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप अपना ईएमआई कितना उठा रहे हैं, कितना इंटरेस्ट रेट लगने वाला है और कितने दिनों के लिए लेंगे। मान लेते हैं कि मैंने 10 लाख का लोन लिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 लाख का लोन लिया और इंटरेस्ट रेट 7.25% है। और मान लीजिए मैंने 5 सालों के लिए, तो यहाँ पर देख 5 सालों के लिए मैंने लोन लिया, तो 19,900 रुपये मेरा इंटरेस्ट रेट बनने वाला है पर मंथ, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अपना कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं। देन हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर सबसे अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाता है कि आपके कार का जो भी जो प्राइस होता है आपका 90% उसका आपका फाइनेंस हो जाता है। यानी 10 लाख का अगर कार है तो उसमें से 9 लाख रुपीज़ आपको फाइनेंस हो जाएगा, मात्र 1 लाख रुपये आपको डाउन पेमेंट करना होता है दोस्तों। एंड अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर आपको यहाँ से लोन मिल जाता है दोस्तों। हायर लोन अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से ज़्यादा आपको लोन मिल जाता है। मिनिमम डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पर लगता है, अगर कार लोन लेते हैं तो बहुत कम से कम डॉक्यूमेंट पर आपका लोन को अप्रूव कर दिया जाता है दोस्तों। नो यहाँ पर फोर्स क्लोजर चार्ज, यानी पहले लोन को बंद करवाते हैं तो इस तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। क्विक प्रोसेसिंग यानी बहुत ही जल्दी आपका लोन का प्रोसेसिंग है जो हो जाता है दोस्तों। देन स्पीड फंड डिस्बर्सल यानी बहुत जल्दी आपका लोन को अप्रूव कर दिया जाता है दोस्तों। देन हम बात करेंगे जल्दी से जल्दी यहाँ पर फीचर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको मैं बता ही दिया हूँ 90% आपका लोन मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं उम्र की बात यहाँ पर है कि 21 साल से लेकर 70 साल के बीच होना चाहिए, उन्हीं का लोन मिल पाएगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। देन हम बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में, तो एलिजिबिलिटी सबसे पहले आपका सैलरीड पर्सन होना चाहिए, देन बिजनेस मैन या प्रोफेशनल या कोई फार्मर्स हो उनको भी लोन आसानी से मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एंड प्राइवेट, यानी जो डायरेक्टर हैं सीईओ हैं उनको तो आसानी से लोन मिलेगा, वही सब बिता गए। एनआरआईज को भी लोन मिल सकता है, कॉरपोरेट में जो पार्टनरशिप हो रहे हैं उनको भी लोन आसानी से मिल सकता है दोस्तों। पर्पज आप देख सकते हैं फॉर न्यू पैसेंजर कार यानी नया कार खरीदने के लिए, एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन रीपेमेंट कैपेसिटी, देख सकते हैं आपको ग्रोस मंथली इनकम कितना होना चाहिए 50%, तो आप 60% उसका लोन मिल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा आपका दिया गया, आप इसको रीड कर सकते हैं दोस्तों। मैं जो भी बेसिक डिटेल्स जो महत्वपूर्ण डिटेल्स है उसी को मैं बता रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है दोस्तों। यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज देख सकते हैं, कम से कम आपका 2500 रुपये प्लस GST लगने ही वाला है
और मिनिमम मैक्सिमम आपका 10,000 प्लस जीएसटी लगेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और देन और यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पर वही आपका आधार, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लगेगा, ज़्यादा कुछ लगने वाला नहीं है। 3 फोटोग्राफ लगेगा, पासपोर्ट साइज आप देख सकते हैं। देन लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप फॉर्म 16, इनकम टैक्स वगैरह जो भी आपका है वो लगेगा, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। देन और यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म कंडीशन, यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम लिमिट 5 लाख, यहाँ पर वही रिपेमेंट पीरियड हो रहा है, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप 84 मंथ के लिए ही आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों मार्जिन आपका 10% मिलेगा ऑन रोड प्राइस। और यहाँ पर देख सकते हैं उम्र की बात मैं बता ही दिया हूँ दोस्तों। और देन हम यहाँ पर चलेंगे देख सकते हैं, और यहाँ पर हम देन हम डायरेक्ट इसको अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और देन हमको क्या करना है, अप्लाई नाउ करना है। तो अप्लाई नाउ में जैसे ही क्लिक करूंगा दोस्तों, तो एक नया पेज खुल के आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर नेम वगैरह डालना है, तो नेम में आपको यहाँ पर डाल देता हूँ। नेम डालने के बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी डालना होता है, तो ईमेल आईडी में भी डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल आईडी 892, और देन यहाँ पर gmail.com, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होता है जिसपे आपको ओटीपी जाएगा। तो मैं यहाँ पर ओटीपी सेंड कर रहा हूँ, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यहाँ पर। तो क्या करना है हमको, लॉगिन कर लेना है दोस्तों। तो आसानी से मैं लॉगिन पे आ जाऊंगा। लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डालूंगा अपना, नंबर जैसे ही डालने पर ओटीपी मैं सेंड कर दूंगा। ओटीपी सेंड करने के बाद यहाँ पर ओटीपी डालना होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो ओटीपी जैसे ही हम डाल के लॉगिन करेंगे तो मेरा जो भी सेक्शन होगा वो लॉगिन हो जाएगा दोस्तों आसानी से। और लॉगिन होने के बाद वहां से हम लोन अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ओटीपी मैं डाल देता हूँ, जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो एक इस तरीके से खुल के आएगा। और देन यहाँ पर क्या होता है, आपको प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है दोस्तों। मेरा प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आपको यहाँ प्रोफाइल क्रिएट करना होता है, देन क्या करेंगे आप यहाँ पर जैसे ही लोन पे आप सबमिट करेंगे फॉर्म, तो आपका जो भी एप्लीकेशन हो चला जाएगा बैंक के पास। बैंक आपको 24 घंटा के अंदर आपके पास कॉल बैक करेगा, देन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। डॉक्यूमेंट्स अगर आपका वेरीफाई होता है तो थोड़ा समय के लिए आपको नियरेस्ट जो भी ब्रांच होगा वहाँ पे आपको बुलाएगा। देन आपका वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार मैनुअली चेक करेगा। मैनुअली चेक करने के बाद आसानी से आपका दोस्तों वहाँ पे लोन अप्रूव कर दिया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अगर चाहते हैं कि घर बैठे लोन अप्लाई कर, तो घर बैठे आप लोन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों आसानी से। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।